शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गांव को बचाने वाला कोई नहीं है। हाँ नहीं छोड़ा तो दुनिया छोड़ने पड़ेगी। मैं तेरे रास्ते में फौलाद की दीवार बन के खड़ा हूँ। अब ना रामपुर रहेगा ना शंकर। शहर ले जाते हैं इलाज कराने। हाँ चलो 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 बेटा। साहब ये गहने गिरवी रख के मुझे रुपए दे दीजिए। कहीं चोरी करके तो नहीं लाए हो? चुराकर? नहीं साहब, मैं अपने परिवार के साथ गांव से आया हूँ। मेरा बेटा अस्पताल में बेहोश पड़ा है। जब तक मैं 30,000 रुपए जमा नहीं करूंगा उसका इलाज नहीं होगा। ये मंगलसूत्र भी रखोगे? साहब मुन्ना को बचाने के लिए मैं अपने आप को गिरवी रख सकता हूँ। मेहरबानी करके पैसे जल्दी दे दीजिए मुझे, मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं छोड़, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। ए मेरा बैग। चोर चोर पकड़ो, मेरा बैग ले भाग रहा है। We'll be right back.
तुम लोगों को यहाँ लूटने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, किसी ने बताया नहीं कि ये एरिया मेरा है। जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा। चलो भाग यहाँ से। एक दो तीन ये। बेटा बेटा, तुम आदमी नहीं देवता हो। तुमने मेरा रुपया बचा दिया, अब मेरा बेटा भी बच जाएगा। ये 30,000 रुपए है ना, ये मुझे अस्पताल में जमा करना है। कौन हो तुम? मैं सहदेव शर्मा हूँ, और ये मेरे रुपए हैं। कौन सा रुपया? यही रुपया। मेरा बेटा बहुत बीमार है। अच्छा, और जब तक ये रुपए नहीं दूंगा डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा। अच्छा देखो, जैसे ही मेरे हाथ में रुपया आ जाता ना, मैं दुनिया के दुख दर्द से बहुत दूर चला जाता हूँ। तब ना डॉक्टर, ना दवा, ना मरीज, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा क्लब, दारू, खाना पीना, मौज मस्ती। नहीं बेटा, बेटा ये पैसे मुझे वापस कर दो, मुझे डॉक्टर को ये पैसे देने हैं। चल आज। बेटा बेटा बेटा, मेरा बेटा मर जाएगा। नहीं बेटा, मेरा बेटा मर जाएगा। ना करो हम इश्क वाले हैं, तुम्हारे हुस्न पे हम बिजलियां गिरा देंगे। हुस्न के सामने इश्क वाले हो, तुम्हें गुरूर बड़ा है के हुस्न वाले हो, रंग गोरा है मगर दिल के बड़े काले हो। तुम्हें गुरूर बड़ा है के हुस्न वाले हो, रंग गोरा है मगर दिल के बड़े काले हो। तुम भी नहीं, तुम कहाँ निराले हो। शरीफ तुम भी नहीं, तुम कहाँ निराले हो। तुम देते हो दगा बनते भोले भाले हो। शरीफ तुम भी नहीं, तुम कहाँ निराले हो। तुम देते हो दगा बनते भोले भाले हो। तुम्हें गुरूर बड़ा है के हुस्न वाले हो, रंग गोरा है मगर दिल के बड़े काले हो। तुम्हें गुरूर बड़ा है के हुस्न वाले हो, रंग गोरा है मगर दिल के बड़े काले हो। दिल को तोड़ देना, तड़पता आशिकों को छोड़ देना। किताबे इश्क में बदनाम हो तुम, जहर का एक छलक का जाम हो तुम। बेवफाई में हो मशहूर बड़े, कोई चक्कर में तुम
शरीफ तुम भी नहीं तुम कहाँ निराले हो, शरीफ तुम भी नहीं तुम कहाँ निराले हो, तुम देते हो दवा बनते भोले भाले हो, शरीफ तुम भी नहीं तुम कहाँ निराले हो, तुम देते हो दवा बनते भोले भाले हो। अच्छा, तुम्हें गुरूर बड़ा है के हुस्न वाले हो, रंग गोरा है मगर दिल के बड़े काले हो, तुम्हें गुरूर पड़ा है के हुस्न वाले हो, रंग गोरा है मगर दिल के बड़े काले हो। लोमड़ी की तरह मक्कार हो तुम, कौवे की तरह होशियार हो तुम, तुम तो गिरगिट सा रंग बदलती हो और नागिन की तरह डसती हो, नजरें तोते सी फेर लेती हो, गीदड़ भपकी हमेशा देती हो, डंक बिच्छू की तरह मारती हो, तुम तो बंदर की तरह काटती हो। शायर ने खूब कहा वल्ला, नाज की आपकी सुभान अल्लाह, आप मखमल पे अगर चलते हैं इतने नाजुक हैं पांव चलते हैं, चूड़ियां बोझ है बताती हो, मसाला पीस के थक जाती हो, तुमसे तलवार क्या उठ पाएगी, कमर नाजुक है लचक जाएगी। हमेशा औरत है, घर में बैठे तो खूबसूरत है, तुम्हारा धर्म है सेवा हमारी, बढ़ेगी शान भी इसमें तुम्हारी, मान लो हार अभी आज यही, हमसे कमजोर हो ऐ जोहर जबी, मान लो हार अभी आज यही, हमसे कमजोर हो ऐ जोहर जबी। बात करें सारे शिकवे गिरे भुला
मुलाकात करें। चांदनी रात में हम तुमसे मुलाकात करें। छोड़ो करार मोहब्बत की कोई बात करें। चांदनी रात में हम तुमसे मुलाकात मुलजिम शंकर, तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि तुम 15 जनवरी को श्री सहदेव शर्मा के हाथ से रुपए छीनकर भाग गए। हुजूर, आप तो जानते ही हैं, ये मेरा पेशा है। तुमने चोरी को अपना पेशा बना रखा है? हुजूर, जिसका बचपन भूख और भीख से शुरू हुआ हो, उसकी नजर में जिंदा रहने के लिए किया गया कोई भी काम गुनाह कैसे हो सकता है? मुलजिम शंकर, तुमने ये कबूल किया है कि चोरी करना तुम्हारा पेशा है, मगर तुम ये भूल गए कि ये एक कानूनी अपराध है, लिहाजा ये अदालत तुम्हें चोरी करने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाती है। हरामजादे, अगर मेरे बस में होता तो जेल की बजाय मैं तुझे इस दुनिया से बाहर भिजवा देता। तुम जैसे लोग समाज के वो गंदे कीड़े हो जिनका ना तो जीने का कोई मकसद है और ना मरने का। मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या कर रहे हैं आप? अबे मार क्यों रहा है? पीछे आओ, तेरे पैसे तो तुझे मिल गए। ए इंस्पेक्टर, समझा यार। आशी, आप ये क्या कर रहे हैं? इसने जो कुछ भी किया उसकी सजा अदालत दे चुकी है। इसे सजा कहते हैं? तो क्या तेरे लिए फांसी पे चढ़ जाऊं? ए मास्टर, खोपड़ी मत खिसका क्या? थोड़ा सा प्यार से बात करने लगा तो होशियारी करने लगा। तेरे पैसे तुझे मिल गए, ऊपर से चिल्ला भी रहा है। तेरे इस फालतू सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस आदमी को एक बार मेरे साथ आने दीजिए। आपकी मेहरबानी होगी इंस्पेक्टर, एक बार इस आदमी को मेरे साथ आने दीजिए। देख, देख ले तूने ये क्या किया। तू जानता है ये कौन है? जानता है तू? ये मेरे घर का इकलौता चिराग था जिसे तूने बुझा दिया। अगर तूने रुपया नहीं लूटा होता तो मैं इसे बचा सकता था। जीने से पहले ही तूने मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली। तूने एक रात की मौज मस्ती के लिए तूने एक माँ को आंसू में डुबो दिया, हमारे हमारे जिंदगी का सहारा छीन लिया। देख जालिम, देख, मत समझना तू बच गया, मत समझना हमारी आग तुझे 1000 साल के लिए नरक की आग में जलाती रहेगी, जलाती रहेगी। तू जिंदगी भर तड़पता रहेगा हरामजादे। ए, क्यों आवाज कर रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे? देखते नहीं मेरा मुन्ना सोया है? चुप चुप रहना, जाग जाएगा। मुन्ना तू सो जा बेटा, हाँ तू सो जा बेटे, सो जा। देख सालिम, मत समझना कि तू बच जाएगा, हमारी आह तुझे 1000 साल के लिए नरक की आग में जलाती रहेगी, जलाती रहेगी, जलाती रहेगी, जलाती रहेगी, जलाती रहेगी। देख सालिम, मत समझना कि तू बच जाएगा, हमारी आह तुझे 1000 साल के लिए नरक की आग में जलाती रहेगी। आज तुम्हारा रिलीज ऑर्डर आ गया है, अब कब आने का प्रोग्राम है? मुझे उस आदमी का पता चाहिए जलस साहब, जिसने मुझे इस बार जेल भेजा था। क्यों, उससे बदला लोगे?
जी नहीं, उसके सामने अपने आप को सजा देनी है। सजा तो काट चुके हो। ये सजा तो चोरी की थी। फिर दूसरा गुना क्या है? खून। खून किसका? उसके बेटे का। उस गुना को कानून तो पकड़ नहीं पाया, मगर मेरे दिल ने पकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे एक चोर के दिल में वाल्मीकि जन्मा है। एक टांग तो कट चुकी है, फिर भी बहादुरी दिखा रहे हो। दूसरी टांग भी काट दी जाएगी, समझे? चलो। हे भगवान, क्या इस गांव को बचाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है क्या? By rule and regulation, तू है कौन? ये बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं, पहले ये जान ले मैं हूं क्या। वाले रूल्स रेगुलेशन से अपने आप को सुधार ले, वरना ये गांव इतना बड़ा नहीं जहां मैं भी रहूं और तू जैसा अफसर भी रहे, समझे? शुक्रिया। चंपा, चंपा मेरी बहन, चंपा मत रो, मत रो। भैया। जवान, मस्तान बाबा का सलाम और दुआ दोनों कबूल करो। तुम्हें देखकर ऐसे लगा जैसे मेरा कटा हुआ पाँव मुझे वापस मिल गया। आप, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मेरी तरह होना अच्छी बात नहीं है। बनाओ मत भाई, जो शख्स खूनी भेड़ियों के शिकंजे से मेरी बहन की आबरू को बचा कर ला सकता है, वो कहे कि मेरी तरह होना अच्छा नहीं है। मैं पहचानता हूं, इस गांव को जिस इंसान का इंतजार था वो तुम्हें हो। अरे मुन्ना, अरे मुन्ना, मेरा मुन्ना आ गया, मेरा मुन्ना आ गया, मेरा मुन्ना आ गया, मुन्ना, मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना आ गया, मेरा मुन्ना, कहां था तू इतने दिन? देख तेरी माँ कब से तुझे तलाश कर रही है। चल चल घर, चल घर, चल बेटे, चल चल बेटे, आ बेटे, बैठो बेटे। अजी सुनिए तो, देखो कौन आ गया है। मेरा मुन्ना आ गया है, हमारा मुन्ना आ गया है। जल्दी आओ ना, आओ ना, जल्दी जल्दी आओ ना, देखो हमारा मुन्ना आ गया है। मुन्ना तू भूखा है ना? मुझे मालूम था तू भूखा होगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए खाना बना के रखा है।
तू बहुत रोता था ना मेरे लिए। हाँ माँ। अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना बेटा? नहीं माँ। बेटा तू मेरे लिए गहने लाया है ना? बेटे की कमाई पर माँ को बहुत गर्व होता है। मेरा बेटा दुनिया में सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा, सबसे अच्छा है। तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो जी मेरा मुन्ना आ गया है। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। मैं माँ को छोड़कर कह नहीं जाऊंगा। ये पागल औरत ये नहीं जानती कि जिसे वो अपना बेटा कह रही है वही उसके बेटे का कातिल है। अपने बेटे को डांट रहे हो? जब बाप बेटे को डांटे तो माँ को वहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ बेटा। यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ अपने पाप का प्रायश्चित करने आया हूँ। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाके मरो, मेरे घर क्यों आए हो? क्योंकि गुनहगार मैं आपका हूं, आपके सामने प्रायश्चित करूंगा। जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं चिता की आग में जलता रहूंगा। अब जाओ यहां से, जाओ, निकलो बाहर। कोई बात नहीं, मेरे घर चलो, यही मेरा घर है। घर क्या, ये पूरा गांव तुम्हारा है, लेकिन इस वक्त ये तुमसे नाराज है। माँ बाप तो बच्चों से नाराज होते ही हैं। देखो बेटा बहुत जल्द रात होने वाली है, कहाँ रहोगे? गांव के मंदिर में। दिखने में तो तुम बहुत बहादुर लगते हो। शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। वादा? वादा नहीं, वचन। जय काल भैरव, चलती हूँ। सावधान रहना, ये इलाका जहरीले सांपों का है। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार। उस दिन अगर पिताजी को मैं पैसा वापस दे देता तो तेरा इलाज हो जाता, तो आज मां की हालत ना होती, ना ही पिताजी को यह दिन देखना पड़ता। मैं गुनहगार हूं ना, मैं अपने इस घोर पाप का प्रायश्चित करूंगा मुन्ना, और अपने खून की एक एक बूंद से अपने गुनाह को धोऊंगा। मैं तुम्हारी समाधि को छूकर कसम खाता हूं, आज से मैं ना रहा, तुम हो गया। तुम्हारे माता पिता आज से मेरे हैं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। ये क्या हो रहा है? पूजा कैसी पूजा?
आप लोग मुझे गोद ले रहे हैं, मैं आपका धर्म पुत्र हूँ। गोद ले रहे एक हत्यारे को? असंभव। पंडित जी बंद करो तमाशा। ले लो लड़का अच्छा है और अपने आप मिल रहा है। आप जानते हैं ये कौन है? मैं नालायक हूँ, आपका बेटा होने के लायक नहीं, लेकिन आप लोग तो अच्छे हैं। पंडित जी ये लोग मुझे गोद नहीं ले सकते, मैं इन लोगों को गोद ले रहा हूँ। आज से ये लोग मेरे धर्म माँ और धर्म पिता हैं। कदरदानों, मेहरबानों, दोस्तों, भाई और बहनों, एक लाल की धनी ने इस गरीब को दो दिन से ऐसा बांध के रखा है भाइयों। आगे बढ़ो और आगे बढ़ के बताओ गरीबों में कितनी ताकत है। मुझे छुड़ाओ, मुझे आजाद करो मेरे भाई, मेरे हाथ बहुत दुख रहे बाबा। मैं जानता हूँ इस भीड़ में वो लोग भी खड़े हैं जिनसे मैंने कर्जा लेकर कभी लौटाया नहीं है। मेरे तमाम कर्जदाताओं मुझे बचा लो, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया तो तुम्हारे पैसे भी डूब जाएंगे मेरे भैया। कम से कम थोड़ा रस्सी तो ढीला करो मेरे भाइयों। कर्ज खोर तुम मर जाओ, हम अपने पैसे भूल जाएंगे। चलो भाइयों। चलो यार, चलो यार। धनी लोग चले गए, मैं तो यही चाहता था। मेरे दोस्तों, मेरे गरीब भाइयों, मैं अमीरों को लूटता हूँ, थोड़े मजे करता हूँ, क्या बुरा करता हूँ। आप लोग आगे बढ़िए और इस गरीब नेता की मदद कीजिए, तभी तो क्रांति आएगी मेरे भाई। अरे तुम यहाँ शहर से कब आए? कवाली के बाद मिला ही नहीं। शंकर भैया मुझे छुड़ा दो, ये कहानी बहुत लंबी, मैं बाद में बताऊंगा। मेरे ससुर ने 2 दिन से बांध के रखा है, पूरे वांदे कर दिए। अरे इसको छोड़ क्यों दिया? पहले ये बताइए कि इसको बांधा क्यों? अरे ये नालायक गांव के धनी लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं सेठ का इकलौता दामाद हूँ, उसके मरने के बाद सारी दौलत मुझे ही मिलने वाली है। आज 1,000 दो, बाद में 5,000 ले लेना। थूक लगा के स्टैंप पेपर पर दस्तखत कर देता है। ठीक ही करता है, लालची लोगों को लूटता है ना। चलता हूँ, बाद में मिलना। हाँ जी। देखा, बहुत बड़ा आदमी है, सारा कानून जानता है, हर लफड़े में अंदर बाहर हो चुका है। अरे मेरे बाप, क्यों बुराई की तारीफ कर रहा है? अरे तू सुधरता क्यों नहीं है यार? एक बात बोलूं? बोल। क्या? आखिरी बार मुझे 10,000 रुपए देंगे। ये जगह छुपने के लिए ठीक रहेगी। आहा। अरे तू कब आई? अरे चंपा कहाँ जा रही हो? डॉक्टर को बुलाने। कौन बीमार है? गीता। क्या हुआ उसको? पता नहीं, कहते हैं कि उसको दिन में भी तारे नजर आते हैं। बाकी बात बापू से पूछ लेना। क्या हुआ चाचा जी? क्या कहें बेटा कि क्या हुआ है, ना डॉक्टर, ना वैद, ना हकीम, कोई दवा काम नहीं आ रही, ना देसी और ना ही विदेशी। ये कैसी बीमारी है? कल से पता नहीं कहाँ गई थी, क्या देखा था और क्या हो गया। मैं देखता हूँ। ठीक है। गीता,
मारे मन बका मोरे नाचे झूला चाक भरसा हमारे हीवड़े का हमारे जियरे का हमारे मन बका मोरे नाचे झूला चाक भरसा Go!
छोड़ो ना, जाने भी तो। बोलते बुड्ढे, सारी जवानी ड्यूटी की है, अब पेंशन खाऊंगा। बोल बोल। इस उम्र में तो तुम और भी सख्ती लगती हो। बुड्ढा तो कुछ कर नहीं पाएगा, थोड़ी देर झूठी तारीफ करेगा फिर मार खाएगा। मेरे लिए तो अच्छा मौका है, चलो कांटा डालते। बीबी, बीबी। क्या है? चलो पति पत्नी का खेल खेलते हैं। नहीं नहीं, पापा आ जाएंगे। अरे जब तक वो आएंगे उन्हें नाना बना देंगे, अपना खेल खत्म होने तक वो नहीं आएंगे। क्यों, कहाँ है वो? तुम पापा का कर्ज चुका क्यों नहीं देते? मेरे उसूल के खिलाफ बात मत करना। मैं जिससे कर्जा लेता हूँ उसको वापस करता ही नहीं हूँ। तेरा बाप क्या चीज है? फिर सारी उम्र तड़पते रहना, पापा हमें कभी नहीं मिलने देंगे। अरे यार क्यों नहीं मिलने देंगे, तेरे पापा की तो ऐसी की तेरी, तू जान। क्या बात है बेटे? पानी दो, पानी, बहुत प्यास लगी है। आपका भाई पापा जी? पर खुरदार, तुम जहाँ जहाँ भी जाओगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। पापा जी एक बार मिलने दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। ठीक है चलो। बेटी तुम यहाँ सो जाओ और बेटे तुम वहां सो जाओ। आप कितने अच्छे पापा जी। दरवाजा बाहर से बंद कर लीजिए। बाहर से दरवाजा? अरे बेटे बाहर से क्यों, मैं तो दरवाजा अंदर से बंद कर देता हूँ। तुम दोनों सो जाओ और मैं जागता हूँ। ससुर जी आपको कभी कभी क्या हो जाता है? बेटे जब तक तुम मेरा सारा कर्ज नहीं उतार देते तुम मेरी बेटी से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते। ससुर जी एक बात कहूँ? बोलो। वो अपने वॉचमैन अंकल है ना? हाँ। वो सासू जी से छुप छुप के बातें करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ। ए, चुपचाप सो जाओ। मुझे नींद आ रही है। और सो जाओ, सो जाओ बेटी। सो जा, सो जा, सो जा। गांव वाले बाई रूल एंड रेगुलेशन हमेशा शांति भंग करने पे लगे रहते हैं। चलो बोर्ड निकालो, चलो अंदर लाओ, जल्दी जल्दी करो जल्दी। Thank you.
एक हाथ छोड़ रहा हूं ताकि तू भीख मांग कर जिंदा रह सके। और सुन, जय सिंह से कह देना कि उस रास्ते पर ना चले जिस रास्ते पर हमारा गांव पड़ता है। जा। मंजूर हाजिर हजूर। क्या बोलता है रे? हुजूर आपने तो अपने अंगूठी का निशान नहीं देना, ए हरामखोर अपना पूरा हाथ दे के आ गयो। अरे तू तो गांव गया था वसूली के लिए, गांव वालों ने तेरा हाथ वसूल लिया क्या रे? ई का हाथ तो सुसरी पुलिस के पास है सरदार, पुलिस का कोरा कागज, और ई का हाथ वो तो कुछ भी लिखा सकता है। जल्दी ही कुछ करना होगा सरदार। कानून के लिए इसका हाथ बयान बन सकता है तो इसकी गर्दन गवाही बनाकर पुलिस के पास भेज दो। दहशत, दहशत, दहशत। जिस दिन लोगों के दिलों से हमारा खौफ हटा, समझो हमारा सर कटा, हम तब तक डाकू है जब तक लोगों के दिलों में हमारे लिए दहशत है। अब तो हम ऐसा दहशत फैलाई सरदार, ऊका आने वाला पीढ़ी भी कांपता पैदा हुई। मेरा मंजूर। हाजी हजूर। तूने कभी कयामत देखे क्या? नहीं हजूर। क्या हमारे आदमी का हक काटा? हिम्मत? तुम लोग मेरी हिम्मत के दायरे में नहीं आते हो। हिम्मत ताकतवर को दिखाई जाती है। तुम लोग कायर हो, बुजदिल हो, बंदूक के लेकर घोड़ों पर सवार आते हो, कमजोरों को लूटते हो और भाग जाते हो। लगता है तुम गांव के दुश्मन हो। आज तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों से इनको हमारे खिलाफ कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे, इनकी बीवी विधवा हो जाएगी, खामखा मारे जाएंगे। अगर गांव का इतना ही ख्याल है तो इनको बख्श दो और हमसे निपट लो। ठीक बोला, मैं तुमको ही खत्म कर देता हूं।
माँ को कुछ नहीं हुआ, तुमने अपनी माँ को बचा लिया। एक उधर था, एक इधर, फैसला दोनों के बीच में था, दो शेरों के झगड़े में किधर कहां से बीच में आ गया। एक औरत को खतरे में डाला, हमें खतरे से बचाने के लिए हम जीत कर भी हार गए, और वो हार कर भी गांव का हीरो बन गया। सरदार, मैं तो तुमको बचाना चाहता था। मेरी जान बचाना चाह रहा था, मेरे ताकत पर शक था तुझे, जानता है सरदार की ताकत पर शक करना गद्दारी होता है, और गद्दारी की सजा मौत। हर जा रानी, हर जा, इसकी गद्दारी का इनाम देने दे मुझे। पहले मेरी मोहब्बत का इनाम सरदार, अब छोड़ भी दो ना गुस्सा सरदार। मैंने तुम्हें जो सलाह दी थी उसके बारे में कुछ फैसला किया? हुक के बारे में ही तो सोच रहा हूँ। सोचने में वक्त बर्बाद मत करो, जय सिंह अब सरदार रहने के लायक नहीं है, उसे बेदखल करो और खुद सरदार बनो। पर तू तो हमारे साथ में है ना? दिलो जान से, जय सिंह बसंतपुर लूटा, उसमें हमारा हिस्सा नहीं मिला। जय सिंह जमुना ठेकेदार को लूटा, उसमें भी कुछ नहीं मिला। जो हमें हमारा हिस्सा नहीं देता, हम उसका कारोबार बंद कर देते। जब हम सरदार बनूंगा ना, तो तू का कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है, मगर जल्दी करना। अब कोई देर नहीं हुई, हमरा दिल कहता है, हमरा काम जरूर होई। बीवी, तुझे पता है ना संडे है? तो? अरे संडे वाले दिन मैं अपने सर पे मोबाइल ऑयल लगाता हूँ ताकि मेरा माइंड पावरफुल हो जाए। जाओ मोबाइल ऑयल लेकर आओ और मेरे सर पे ऐसा मालिश करो ताकि मेरे सर पे चांद निकल आए। सुना है चांद वाली खोपड़ी के पास धन आता है। लेकिन घर में मोबाइल ऑयल तो है नहीं। नीम का तेल लेकर आऊं? नीम का तेल? नीम का तेल? क्या मेरे सर में कीड़े भरे हुए जो खाने के टाइम पे प्लेट में गिरते हैं? नीम का तेल? चल ऑयल ले गया, चल। अच्छा बेटी, कहाँ जा रही हो? इनके लिए तेल लेके आती हूँ। इसके लिए तेल? इसको तेल की क्या जरूरत है? कहीं गधों को भी कोई तेल लगाता है? जाओ मेरे लिए तेल लेकर आओ, आज मैं धूप में अपनी मालिश खुद करूंगा। और तुम खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो? मुँह क्या देख रहा हूँ? जाओ मेरे लिए चुरुट लेकर आओ। चुरुट? चुरुट चुरुट चिरूट। हाँ ले आए चिरूट। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं लगाऊं? आराम से ना। हे हे, कौन है?
मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कल ही फिल्म में देखा था कि आदमी के सर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। ये मेरे माथे पे किस शहीद का खून लगा है माँ? माँ, अरे बेटा मैं तेरी माँ नहीं, तेरा ससुर हूँ। ससुर? देखने में तो गुंडा लगते हो। मुझे इस अनजान जगह पे कौन लाया है? देख लिया ना, इनकी याददाश्त चली गई। मैं आपको पहले ही कहती थी, फिल्म की बात कभी झूठ नहीं होती। किसकी याददाश्त चली गई बहन जी? आप अंदर चलिए। अंदर? कौन हो तुम? आप अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। चलिए चलिए। बचाओ बेटा। चाचा आपका गांव बड़ा उदास रहता है। नहीं बेटा, ये गांव तो बहुत खुश था, खुशी के गाने गाता था। दिन में भजन, शाम में कवाली और सुबह लड़कियों के गीत। अब क्या हो गया है? कुछ समय पहले जय सिंह ने ऐलान किया था कि कोई भी लड़की इस गांव से ब्याह करके इस गांव के बाहर नहीं जाएगी। क्यों? उसका हुक्म था कि इस गांव की लड़की की शादी डाकू के साथ ही होगी, नहीं तो वो कवारी रहेगी, वरना शादी वाले दिन वो लड़की को विधवा बना देंगे। तब से बेटा इस गांव का संगीत गूंगा हो गया। और पता है मैंने जैसी चाचा, अब इस गांव में शादी होगी और सबसे पहले तुम्हारी बहन की शादी। चंपा, हमारे गांव में शादी कराने वाला आ गया है, देखते हैं किस किस के भाग जाते हैं। ज्यादा की तो पता नहीं, पर एक की बात तो पक्की लगती है। अभी बातें मत करो, शादी की तैयारी करो। मैं डाकुओं से गांव के बाहर ही निपट लूंगा। मैं तो मोरी भौजी।
फिर क्या हुआ? अरे बोल, अरे बोलना। तो खुदिया में लौटी गई। अंतिम संस्कार नहीं होगा। पर ये तो हमारे आदमी है सरदार। इस वक्त ये सिर्फ मेरे लिए खून से लथपथ मिट्टी हैं। जिसने इन्हें मारा पहले उनकी चिता जलेगी, उनकी चिता की आग से हमारे साथियों को जलाया जाएगा, फिर इनका अंतिम संस्कार होगा, तब जाके मानेंगे कि ये हमारे असली साथी थे। चलो
शंकर, जहां भी है बाहर आप, छुपने से जान नहीं बचेगी। साले लंगड़े, जरा बता शंकर कहाँ लंगड़े? क्या तुम उस शंकर को खोज रहे हो जो हमारे दिलों में रहता है? चीर डालूंगा सबके दिलों को, अगर नहीं बताया शंकर कहाँ है तो। हमारे दिलों को चीर देगा। आराम से। बहुत पोलत है। आठ 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 के दुकान लगा। शंकर कहाँ है? मुझे नहीं पता शंकर कहाँ है। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अब मैं नहीं, मेरी तलवार पूछेगी। अगर इस तलवार से तुम मर गए तो मैं भी यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि किसने मारा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता शंकर कहाँ है? ये सब कैसे हुआ? ये सब जयसिंह का काम है। पता नहीं इस अभागे गांव का क्या होगा। हम लोग अपने आप को बचा नहीं सकते, कानून हमारी मदद नहीं करता। पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज हो गया। अब तो जयसिंह चाहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे, जयसिंह चाहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। रो मत, आज से गांव में कोई नहीं रहेगा। गंगे, सूर्य को साक्षी मानकर मैं कसम खाता हूं कि मैं जय सिंह को जरूर मृत्यु दंड दूंगा। गंगा की कसम। साहब आप क्या? आप ही बताइए कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, वो भी एक पूरी बटालियन के साथ। सर यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर पूरे कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, कानून के या डाकुओं के? क्या समझते हो कि ये थाना बिकाऊ है? बड़े साहब थाना कैसे बिक सकता है? बिक सकता है अगर आम जनता यहाँ आने से डरे और डाकू यहाँ खुलेआम गुलछर्रे उड़ाएं तो ये थाना बिक सकता है। मैं यही छानबीन करने आया हूँ। अगर यह साबित हो गया कि डाकुओं के साथ तुम्हारी साठ गांठ है तो मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारी वर्दी उतारकर तुम्हें इसी थाने में बंद कर दूंगा, समझे? नमस्ते बड़े साहब। नमस्ते। अच्छा हुआ कि पूजा के समय आप आ गए। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बगैर किसी खौफ के मूर्ति के दर्शन करें और अपनी श्रद्धा का पालन करें, यहां कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि आपकी हिफाजत के लिए मैं यहां खुद तैनात रहूंगा।
जोगा, जिस शुभ दिन का हमें इंतजार था वो दिन कल है। कल मंदिर में भगवान के सामने सरदार के खून से तुम्हारा राष्ट्र तिलक होगा। इतनी बड़ी तकदीर से कहीं डर तो नहीं रहे हो? नहीं रे, ई जोगा तैयार है, बस ससुरे कल का इंतजार है। शंकर, मैंने तुम्हारी गांव वालों से बहुत तारीफ सुनी है। एक शहरी आदमी होने के बावजूद जो तुमने गांव वालों की मदद की है वो वाकई काबिले तारीफ है। कल जयसिंह भेष बदलकर भगवान का मुकुट चुराने आएगा और मुकुट की हिफाजत के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं एक अभागा छोटा चिंदी चोर हूं, आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जो इंसान औरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी समझता हो वो बहुत कुछ कर सकता है। इस गांव की रक्षा के लिए तुम्हारी गंगा की कसम डाकुओं ने सुनी हो या ना सुनी हो, पुलिस ने जरूर सुन ली है और तुम्हारी ये कसम पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। पीछा करो। मेले में जय सिंह भेष बदल कर गांव के मंदिर पर हमला करेगा देवी के मुकुट के लिए। हर हाल में उसे रोकना पड़ेगा। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है ताकि वो भी हमें किसी भी हालत में पहचान ना सके। जयसिंह भेष बदलकर वहां जरूर आएगा और उसके बदले हुए भेष को पहचानना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए कमिश्नर साहब, जयसिंह जो भी रूप बदलकर आए मेरी नजरें उसे पहचान लेंगी। इंतजार है तो बस उस दिन का। Thank you.
मंजूर हाजिर हजूर। क्या बोलता है रे तू? हाँ गद्दारी तो हुई है सरदार। किसने गद्दारी की है? हाँ तूने 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 हाँ या तूने? तू तो नहीं ना पुलिस की खबरी? हम्म
मैं अपने दुश्मन को माफ कर सकता हूं, लेकिन गद्दार दोस्त को नहीं। जो खुद बताएगा उसे मैं आसान मौत दूंगा, वरना ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी काम जाए। क्या बोलता है रे जग्गा? गद्दार यही है ना सरदार? गद्दार जो कोई भी है वो तो मरा ही जाएगा। रामपुर में हार गए, चलो किशनगंज को जाके लूटते हैं। मेरा मंजूर अज्जी रजूर। किशनगंज जाने का रास्ता यही है ना? किशनगंज जाने का यही रास्ता है हजूर। हम किशनगंज का रास्ता बदल देते हैं। पर सरदार, किशनगंज जाने का रास्ता तो ये सबसे आसान है। आसान रास्ते हमेशा धोखेबाज होते हैं। हमने अपना इरादा बदल दिया है, किशनगंज हम यहां से जाएंगे। चलो रजूर। क्या बोलता है रे? वो पुलिस पार्टी जो रामपुर में तैनात थी अब किशनगंज की तरफ रवाना हो रही, यानी किसी खबरी ने खबर दौड़ा दी है कि आप किशनगंज की तरफ जा रहे हैं। सरदार ये तो अच्छा हुआ आपने रास्ता बदलवा कर हम सबका जान बचाई दिया, वरना वहां पुलिस के इनकाउंटर में हम सब मारा जाता। हम नहीं, वो जो हमारा दुश्मन है। इस दुश्मन को मैं बाद में निपट लूंगा, मगर पहले हम रामपुर जाएंगे और अपने सबसे बड़े दुश्मन शंकर को खत्म करेंगे। आग लगा दो शंकर के घर को, बच नहीं पाया आज वो। अरे शंकर के घर के आग लगा दी, शंकर मर जाएगा, शंकर को बचाओ। आग लगा दी। अरे शंकर मारा गया, शंकर मारा गया, अरे शंकर मारा गया। ओ चूड़िया वाली, ओ कचरे वाली, हाय हाय, ओ कचरे।
जिसके जीने का कोई मकसद होता है वो मौत से भी लड़कर जिंदा बच जाते हैं। वक्त कभी कभी किसी पर मेहरबान होता है। तेरे लिए अच्छा है कि तू ये गांव छोड़कर चला जा। ये गांव कोई तेरे बाप की जागीर नहीं, जो तेरे कहने पर मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊं। गांव नहीं छोड़ा तो दुनिया छोड़ने पड़ेगी। तू मुझे मौत की धमकी दे रहा है, जो मौत से गले मिलके आ चुका है।
लगता है मेरी आंखों में तुझे अपना विनाश नजर आ रहा है। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, इस गांव वालों का मसीहा बनने की कोशिश मत कर, वरना जय सिंह इस जंगल का शेर है, तुझे बकरी की तरह चबाकर खा जाएगा। तुझे अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है जय सिंह, शेर की टोली नहीं होती, वो अकेला शिकार करता है, लेकिन तू एक बुज़दिल कायर इंसान है जो अपनी फौज लेकर आता है और गरीब कमजोर गांव वालों को लूटता है। मगर अब मैं तेरे रास्ते में फौलाद की दीवार बन के खड़ा हूं, उन गांव वालों को तेरे जुल्म और अत्याचारों से आजादी दिलाना मेरी जिंदगी का मकसद है। समझ ले कि मैं तेरा काल बनकर आया हूं। लगता है पागल हो गया तू, क्या कि पुलिस आज तक जय सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू मुझे मिटाने का सपना देख रहा है। जिसे तू सपना समझ रहा है उसे मैं हकीकत बनाने जा रहा हूं। ये बात है भाई जी, कोई भयानक सपनों देखोगे? नहीं, मुझे लगता है शंकर जिंदा है। और नहीं भाई जी, शंकर आग में जल के मर गए हैं, भीगो बचन को कोई रास्ता को नहीं। नहीं भीम सिंह, मेरा दिल कहता है कि शंकर जिंदा है। हमारी सोची समझी चाल फेल हो गई है। सिर्फ फेल ही नहीं हुआ कमांडर, उन लोगों को हमारी चाल पर शक भी हो गया है। अगर शक हुआ है समझ लो कि हमारे लिए कयामत का दिन तय हो गया। यही तो मैं सोच रहा हूँ, इससे पहले के सरदार मुझे खत्म कर डाले क्यों ना मैं उका मार डालूं। तुम सरदार को उसके अड्डे से बाहर निकालो, बाकी मैं देख लूंगा। वो मैं करूंगा। गीता, शंकर, शंकर, तुम जिंदा हो? क्या समझती थी मैं इतनी जल्दी तुमको छोड़कर चला जाऊंगा? औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है, गम हो तो रोना, खुशी हो तो रोना। आज हम उसको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरह आज रुपए वसूल करेंगे हम। हाँ, बहुत टाइम हो गया उसने पैसे नहीं दिए, क्यों परेशान बैठे हो? तुम्हारा दामाद कहाँ है? चल मेरे घोड़े, चकला भैया ले बा, मार ले बउआ, पकड़ ले बउआ। ये क्या कर रहे हो? मैं अपना घोड़ा तैयार कर रहा हूँ रेस के लिए। आप लोग कौन है भाई? हम आपके गांव के रहने वाले हैं भाई, जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे। कर्जा? हाँ, मैंने इससे पहले कभी आप लोगों को यहाँ देखा नहीं बाबा। कौन है? मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसा कब से हो गया और क्यों हुआ? ये सारा कसूर मेरा है, उससे मैंने इसे भगाया, ये बेचारा गिर गया, इसके सिर पर चोट लग गई और ये सब हो गया। एक काम कीजिए, कल रात को मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें हीरो की ऐसे ही याददाश्त हो गई थी, उसके माँ बाप ने उसकी सुहागरात करवा दी और उसकी याददाश्त वापस आ गई। हाँ पिताजी, ये सच कह रहे हैं, फिल्म की बातें कभी झूठ नहीं होती। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है बेटी। ये क्या हो रहा है बाबा, ये सब क्या चल रहा है, ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी बीवी है। बीवी क्या होती है चाचा? बीवी तो बीवी ही होती है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या होती है बीवी मामा। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मामा? आपकी सोने की जगह तो ये है पापा। लगता है इसे कुछ कुछ याद आने लगा है। बेटी दरवाजा बंद कर लो। क्या हुआ तुझे? आपकी हालत देख। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो खाली ड्रामा कर रहा था यार। ड्रामा? अरे ड्रामा नहीं करता, तुम्हारा बाप सुहागरात होने नहीं देता। और जो मैं आज तक दुख सहती रही वो? अरे सारा दुख एक रात में मिटा दूंगा, आ जा मेरी जान। गांव वालों देख लो जय सिंह ने क्या किया है,
इस लड़की का बलात्कार करके मार दिया। मैं अकेले ने इनको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस कि बचा नहीं पाया। ये पहली मौत नहीं है, ये आखिरी मौत भी नहीं है। जब तक तुम लोग डाकुओं से डर कर छिपते रहोगे, ऐसी मौतें होती रहेंगी। जब डाकुओं का पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो हम क्या करेंगे? जो कुछ करना है तुमको खुद करना है। अपनी रक्षा के लिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह डाकुओं से लड़ सकते हो। बोलो, तैयार हो? तेरे चेहरे पे ये हमारे चेहरे पर शंकर का खूनी दस्तखत है सरदार। वो तो हमारा किस्मत अच्छा था, उके हाथों से हम बच गया। शंकर वो जिंदा है सरदार। जो तुम कह रहे हो वो हमारा दिल पहले से जानता था। वो जिंदा है जरूर, लेकिन अब नहीं रहेगा। आओ कमांडर, ये अपने हाथ में का लाए हो? ये तुम्हारी जन्म पत्री है, चाहो तो अपनी तकदीर को बुलंदी पर ले जा सकते हो। ओह कैसन भैया, ₹10,00,000 का इनाम। सोचो मत मेरे यार, जय सिंह को पकड़ा दो, रुपया भी पाओगे और गैंग की सरदारी भी। क्या बात है सरदार, बहुत उदास हो? इका भेज मैं अंडा मारूं। सरकार ने हमारे सर की कीमत सिर्फ ₹10,00,000 ही लगाए और ऊपर से हमारा फोटो भी अच्छा नहीं छापा। बीरू सरदार बीरू, इस सब के पीछे और सुसरे खबरी बीरू का हाथ है। मैं तो कहता हूँ चल के गोली से उड़ा देते हैं उसे। गोलियां? वीरू की जिंदगी भाई इतनी कीमती नहीं कि उसके लिए इतनी सारी गोलियां खर्चे। उसके लिए तो सिर्फ एक ही गोली काफी है। फिर वो गोली निकाल लो सरदार, ऊ का खर्च करने का यही दिन है। वो देखो सरदार, वीरू अभी अभी अकेला मंदिर गया, यही अच्छा मौका है उसे खत्म करने का। चलो जय भवानी की। नहीं, वहां तो सिर्फ हम तीनों ही जाएंगे, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। ये ठीक कहते सरदार, वहां तो हम सिर्फ तीनों ही जाएंगे। क्यों मियां मंजूर? हाँ जी रजूर। क्या बोलता है रे? ये बात मन ने तो समझ में आवे रजूर। मन ने तो बिल्कुल समझ में आवे, जाएंगे तो हम तीन ही। चलो सरदार। नहीं, तुम इनके साथ नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा है। तुम्हारे दिल के धड़कन को कहो कि ज्यादा धड़का ना करे। चाप। पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसे खाई मिलती है। तुम लोग मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं सरदार था, सरदार हूं और सरदार रहूंगा। Oh!
वैभव। क्या बेवकूफी कर रही हो? हा पूजा कर रही हूं, और अब पूछोगे कि क्यों कर रही हूं? वो इसलिए कि तुम पर खतरा है। बाहर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और अंदर तुम्हारे साथी तुम्हें धोखा देना चाह रहे हैं। औरतों को तो सिर्फ एक ही काम आता है, डरना। हंसो मत, तुम्हारा दिल डाकू का नहीं है। फिर ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? और हम अपना घर बसाकर कम से कम शांति से तो रहते। अरे इसके लिए यहाँ पूजा कर रही हो? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये ठाकुर का बनाया हुआ है, यहाँ ठाकुर का ही भला होगा। महीने के 20 दिन मेरी माँ इनका व्रत रखती थी, क्या मिला उन्हें? उनकी लाश को कफन तक नसीब नहीं हुआ। मंदिर के सीढ़ी पर माथा टेकते टेकते मेरे बाप का माथा घिस गया, लेकिन उनकी बदनसीबी की लकीर नहीं मिटी। मेरी बहन, जाने दो उसे, अगर मेरी बहन की कहानी कहूंगा तो जबान जल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो हो जो मेरी बहन के साथ हुआ। वादा करो तुम यहां नहीं होगी। चलो मेरे साथ। अरे तुम यहां कैसे आना हुआ? अगर मैं याद हूं तो मुझे दिया हुआ वचन भी याद होगा। बिल्कुल याद है, और तुम जल्दी से अपना वचन पूरा करवा लो, वरना जिंदगी की जिस जंग से मैं जूझ रहा हूं उसे पूरा करने के लिए शायद मैं जिंदा ना रहूं। वचन पूरा करोगे ना? प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम एक आदमी की जान बचा लो। कौन है वो? उसके आगे मौत, उसके पीछे मौत। इस इलाके के हर पुलिस वाले के पास उसके नाम की एक गोली है। ऐसे आदमी को मैं कैसे बचा सकता हूं? उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको सिर्फ एक आदमी से खतरा है, और वो आदमी तुम हो। कौन? जय सिंह, मेरा होने वाला सुहाग। नहीं, वो बच नहीं सकता, उसे मारने के लिए मैं गंगा की कसम खा चुका हूं। गंगा की कसम तो खाई है, लेकिन तुम्हारा वचन? उस वचन का क्या होगा जिसके गवाह खुद काल भैरव है? तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, मैं अपनी कसम तो तोड़ नहीं सकता, लेकिन अपना वचन निभाऊंगा। जब तक जय सिंह हमारे गांव में नहीं आएगा, वो मौत से दूर रहेगा। उस दिन तुम्हें पहचानने में मैंने गलती नहीं की, तुम सचमुच बहादुर आदमी हो। आज के बाद जय सिंह रामपुर कभी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। आपको हमारे हवाले कर दो। रुक जाओ, आ,
रानी, हे रानी, क्या हो रहा रानी? हे रानी, क्या हो रहा? किसने किया ये सब? हे रानी, रामपुर ने मुझे बर्बाद किया है, अब ना रामपुर रहेगा ना शंकर। Thank you.
Thank you.
मियां मंजूर। हाजिर हजूर। क्या बोलता है? आज तुम बोलो सरदार। मजा आया, आज बहुत मजा आया। हम किसे से नहीं हारे, आज आज मौत ने हरा दिया। मियां मंजूर। हुजूर। अब क्या देख रहा है? अपना अंजाम देखने के लिए तेरी आंखों में रोशनी नहीं है, बंद कर दे। हमारे हिवड़े का, हमारे जीरे का, हमारे मन बस बोले ना।